मास्क चलेगा, वो मास्क नहीं चलेगा, ठीक है, वो मास्क चलेगा। सूबे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। तो वहीं लॉकडाउन का असर गोपालगंज जिले में भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि लॉकडाउन के पहले दिन दुकानदारों ने खुद से ही दुकानों को बंद रखा। हालांकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फल, दूध, सब्जी तथा किराना की दुकानें खुली रही, लेकिन 11 बजे के बाद सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद हो गयी। इस दौरान जिले के डीएम और एसपी भी सक्रिय दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पुलिस के मना करने के बाद भी सड़क पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। तो वहीं पूरे दिन पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने में लगी रही। मैं एसपी साहब दोनों लोग हम लोग घूम करके देख रहे हैं, तो हमारे अधिकारियों ने लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराया है और भी लोगों को हम अनुरोध करेंगे कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करें, साथ ही इस कोविड के संक्रमण के फैलाव। गोपालगंज ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।